वो दुश्मन से लड़ेगा जो हाथों में इसके वो ताकत है जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मदान की वो तो मैं भी देख रहा हूँ हम सारी बेकार मदान की इसको इकट्ठा कर रहे हैं पर ये तो वही की है ना जो शैतानों को हराने पर हमें मिलती है पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर इनका इस्तेमाल जान नहीं पाया हूँ पर वो पता करना तो तुम्हारा काम है ना लगता है काम में मन नहीं लग रहा पूरो साल चिढ़ाओ मत सेतराम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ना आइए कमांडर इन सबके साथ क्या करना है मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रोफेसर मिकुरिया का कॉल आया था उन्हें नेशनल डिफेंस में ट्रांसफर नहीं किया गया तो वो काम मैं करूं ऐसा लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं सचमुच हाँ मजा आ गया कंग्रेचुलेशन मैंने कहा था ना कि वहां मत बैठा करो अरे मैं तो तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए आई हूँ उन लोगों के पास जो मदान कीज है उन्हें वो लेकर अकीबोनो सिटी से बाहर ले जाने हैं सच में शैतानों को बनाने के लिए हमें मदान कीज की ही तो जरूरत होती है जलवा दिखाई के जाओ उन्हें लेकर आओ तो तुम कुछ कहना भूल गए क्या प्लीज प्लीज कह रहा हूँ ना ठीक है तो तुम्हें मुझे पहले एक नया सूट दिलवाना पड़ेगा मुझे खुशी है कि प्रोफेसर मिकुरिया ने तुम्हें एक नया मिशन दिया है तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे बिना ठीक रहोगे हाँ मैं ठीक रहूंगा ड्यूरलमिन केस को इस तरह बंद किया है कि वो खुल नहीं सकता मैं फितोयामा कीची ये कसम खाता हूँ कि इन मदान कीज की अपनी जान देकर भी हिफाजत करूंगा ये लो फितोयामा पसीना पोंछने के लिए अपना काम वफादारी से करना मत गया सर कामयाब होकर आना कैश डिलीवरी कार बैंक से निकल चुकी है वो किसी भी वक्त पहुंचती होगी उसके आते ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा Hey!
जल्दी से और छूट के समय दे दो। अरे ये क्या, इसमें तो चाबी निकल ली। कुछ देर पहले नेशनल डिफेंस कार पर हमला किया गया है। जमांगा? नहीं, ऐसा लगता है कि डाकुओं ने हमला किया है। डाकुओं ने? मदान की का क्या हुआ? दो लोग मिलकर सेतारामा को ले गए हैं और मदान की भी ले गए हैं। क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि हमें चलना चाहिए। तुम दोनों मीटिंग में अभी आ रहे हो, जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ। तो जेंटलमैन, मेरे पास एक जरूरी अनाउंसमेंट है। आज सुबह 11:07 पर चार औरतों के दल ने एकीबोरो पुलिस के इलाके में घुसकर एक डाका डाला है। क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एरिया का निरीक्षण करो, साथ ही साथ ये भी देखो कि यहाँ पे आगे से चोरी नहीं होनी चाहिए। एक दल पूरा एरिया को घेर के रखना चाहिए। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? क्या कर रहे हो? सुनो सुनो, बीच में मत बोलो, उनको अभी और कुछ बताना है। क्योंकि ये केस शैतानों से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी शांति और सुकून पर हमला किया है। अब वक्त आ गया कि आखिर बोलो पुलिस दिखा दे कि उनमें कितना दम है। हटिया हुसैन, नारुकामी, कहां जा रहे हो तुम लोग? हम घटना की जगह पर जा रहे हैं सर। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। शायद नेशनल डिफेंसेस कार पर यहाँ हमला हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हमें इस बात का पता लगाना होगा। लगता है जांच दल पहले ही आ चुका है। हाँ, ये वही कार है जिसमें मदान की थी। मुझे लगा था कि यहाँ डाका पड़ा है, पर लगता है ये तो जमांगा का ही काम है। जहाँ देखो वहाँ चले आते हैं। इतनी मार खा के भी फिर लौट आते हो? अभी बोलो, इस रोड इमरजेंसी लाइन तैयार है। सुनिए बोशिनी सैन, हमें ये मिला है। ये क्या है? अकीबोनो वेस्ट रोड इमरजेंसी लाइन सेट की जा चुकी है। चीफ, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया। सुनिए चीफ, इमरजेंसी लाइन सेट है, सेंट्रल लाइन सेट करने के लिए एड्रेस लिखिए। चीफ, ये काम आपको ही करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करूंगा। ये देखिए, बहुत वक्त हो गया। दिया, ये लीजिए। डॉक्टर बाम को देने से पहले चलो उस खजाने पर नजर मार ली जाए। ये क्या है? ये सेतु यमकुन का कुछ पता लगा कि नहीं लगा? केंजी, तुम कर क्या रहा है मैन? हमारी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। केंजी, देखो। अरे, ये तो नेशनल डिफेंस की कार है ना? ये तो अकीबोनो क्रेडिट बैंक की कार है। लगता है जमांगा और डाकुओं ने गलत लोगों को लूट लिया है। कितने बेवकूफ हैं! बहुत बढ़िया, इसी बहुत बढ़िया। ये फिश पेंट है, बहुत जल्दी सूखता है। वो तो है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने इस सूटकेस को खोला तो एक जादुई विस्फोट होगा जिससे हम सब उड़ जाएंगे और जिसमें तुम भी नहीं बच पाओगे। ठीक है, मान लेता हूँ। अगली बार अच्छा बहाना ढूंढना। अकीरा, मैंने तैयारी कर ली है। नहीं, ऐसा मत करो। तो फिर जो कुछ भी सचे वो बता दे। सारी गलती तुम्हारी है, तुम चाबी को निकल गए। प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो हम तुम्हें मजा चखा देंगे। प्लीज रुक जाओ। अरे, तुमने अभी अभी एक अजीब सी आवाज सुनी? नहीं सुनी। मुझे लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बोला था ना? अरे, अब इसका क्या करेंगे?
छोड़ो उसे, चलो। तुम उसे मुझसे नहीं ले सकते, छोड़ो। तुम लोग मुझे ही तो बहुत डर लग रहा है। क्यों मैंने तुम्हें मारा? भागो यहां से। सरकार से नहीं, दोनों किस भी जैसे हैं। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? लेडी गोल्ड, मेरी उस केस को छोड़ दो। मैं जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। पहले अपने पैर तो संभालो बच्चे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो मैं भी जादू करना जानता हूँ। क्या हुआ? इस सूटकेस के अंदर मदान कीज है। किसमें? इसमें? वो वाला नहीं, वो वाला। कोई बात नहीं, दोनों सूटकेस दे दो। कोई बात नहीं, दोनों सूटकेस दे दो। इतनी गर्मी है, क्या करूं? अजी क्या है? की है हा? अभी अभी लेडी गोल्ड से छीन कर लाया हूं। सेटोयामा सान को देखा? नहीं जानता वो कहां है, मैं नहीं जानता। सुनो, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो, जाने दो। अपने हथियार नीचे रखो। मुझे गलत मत समझो, मुझे पता नहीं ये क्या है। इसने बैंक के पैसे चुराए हैं। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो। आगे चलो, हिलना मत, अपने हाथ ऊपर करो। हिलने की कोशिश मत करो, तुम्हें निकल लेना चाहिए। जाने लेडी गोल्ड को पकड़ो, दूसरा सूटकेस उसके पास है। किधर भाग रहे हो? रब पकड़ो उसे। क्या मतलब वो तब से मिसिंग है और वो मदान की भी मिसिंग है?
मैंने कहा था मैं अपनी जान देकर उसकी हिफाजत करूंगा। अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। ये लो सतयामा, पसीना पोछने के लिए। अलविदा ग्रीनचैन, मैं तो बस हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम देखना मैं
मदान की इसको बर्बाद कर दूंगी। देखना मदान यो खाओ। संभल कर। सजा मदान। तुम ठीक हो ना? मैंने जादू से इसे बचा लिया है। मेरी मदान किस कहाँ चली गई? हमें क्या पता? क्या है सूटकेस में? हाँ याद आया, वो आदमी ले गया। कौन सा आदमी? अगर आप मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगी तो देख लेना, देखते ही देखते आप खूबसूरत और स्लिम एंड ट्रिम हो जाएंगी। तो इसे अभी होता। अरे इसको मैं पतली हो जाऊंगी। नहीं सूटकेस उठा। गिरफ्तार किया जाते थे जिनमें से एक ने बिल्ली के कपड़े पहन रखे। नहीं सर, बैंक की कार पर हमला तो इन्हीं लोगों ने किया था। मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे सिर्फ ये केस बंद होता है। सोचा जाए तो केंजी के अकीबोनो पुलिस में आने के बाद से यहाँ का कॉप्स काफी खुश रहता है ना? मैं नहीं तो वो तो सब मजे से खुश हैं। पर सारा काम तो सेटोयामा ने किया है। ये तो बताओ कि वो है कहाँ? लगता है कोई मुझे फिर याद कर रहा है। नए कपड़े बनवाए फिर भी तुम नाकामयाब हुई। जलवा दिखाई के कपड़े गंदे हो जाते तो मैं क्या करती? इसलिए नए कपड़े सिलवाए।